नमस्कार, मैं अनुपमा, आप देख रहे हैं डब वाली केसरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डब वाली के वार्ड नंबर 19 में। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि शिवनगर में PWD की तरफ से पानी की जो पाइपलाइन है वो डाली जा रही थी, परंतु लोगों ने वो जो कार्य था वो बंद करवा दिया। तो लोगों का कहना है कि उस पाइपलाइन से हमें कुछ समस्या आ रही थी। तो लोगों से ही जानते हैं कि जो पाइपलाइन डाली जा रही थी पीने के पानी की, उससे उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या नाम है? मेरा नाम चरणजीत सिंह है जी। पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है शिवनगर में, किस समस्या? हाँ, समस्या इसका मेन रीज़न ये था कि कुछ दिन पहले यहाँ सीवर डला है। तो सीवर डलने से पहले कि जो ठेकेदार से उनसे बात हुई भी, हमने पानी बहुत सालों बाद लिया है तो हमारी पाइपें डैमेज हो रही हैं, तो इसका क्या करोगे? तो उन्होंने ये कह दिया कि जैसे ही हम सीवर डालेंगे अपने खर्चे से आपको पाइप डाल के दे देंगे। हमने फिर देखा इनको, एक दो महीने ला रहे लाए इन्होंने जी, डेढ़ महीना। हमारी जो लेडीज है, हम मोल का टैंकर लाते हैं 500 रुपये से, और उसके बाद क्या करती है कि ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को पैसे लाते हैं उनसे पानी पीते हैं। इन्होंने परसों काम चालू किया पाइप डालने का। जब पाइप डालने का चालू किया तो उसका मटीरियल इतना घटिया है कि पैर से टूट जा रही है पाइप। तो हमने इसका विरोध किया भी, यार अगर आपने पानी जी हमने पाइप देनी है तो अच्छी क्वालिटी की दो। कहने नहीं जी, हम तो ये ही डाल के देंगे और ये उससे पास हुई है, एक्सीएन ने पास की है, तो आप भी आपको हम उसका नमूना दिखाएंगे भी उस पाइप में और उसमें क्या फ़र्क है। तो हमारी यही मांग है कि तकरीबन यहाँ हमारे पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। आप पहले कितने सालों से यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है? यहाँ पहले जैसे शिवनगर बसा पहले है ही नहीं थी, दो तीन साल हो गए हमने पाइप, चार साल बाई रुके से बसा हुआ है शिवनगर। शिवनगर तो डावाली गांव से बना हुआ, ये कम से कम 1980 से बना हुआ है, ठीक है जी। तो जो पीछे पानी है, जो ये चार पांच गलियां हैं, इनमें बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमने बाई रिक्वेस्ट कहा, सरकारों से विरोध किया, तो उन्होंने हमें पीने का पानी तो दिया यहाँ। फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार की अब कोई सुविधा नहीं है, तो पानी के जो हमारा जरिया था वो भी इन्होंने छीन लिया। तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, आपका हम आभार व्यक्त करते, आप आए हमारी समस्या को देखने के लिए। तो यही बेनती है कि प्लीज़ हमारी इस समस्या को सॉर्ट आउट करवा के दें, थैंक यू। इतने सालों से यहाँ शिवनगर बसा हुआ है, तो पहले पानी की व्यवस्था कैसे करते थे? पानी सड़क पे पेट्रोल पंप पे लेके आते थे पीने का पानी, हाँ जी, तोड़ों पे, हाँ जी। और चार साल पहले नैना सिंह चौटाला आए, उससे ऐसी मांग की जी भी यहाँ पानी नहीं है, गरीब आदमी भी बसते हैं। नैना सिंह चौटाला ने अपने कोटे से उसने पैसा दिया जी, उसने पाइप लाई और अब ये माड़ी पाइप आने लग गई। गरीब आदमी फिर भी तंग हो गए, फिर क्या फ़ायदा हुआ? नैना चौटाला ने डोनेट के लिए पैसे दिए थे, उसी पैसे से ये पाइपलाइन डाली जा रही है? नहीं जी नहीं, ये तो ठेकेदार डाल रहे हैं, वो पहले चार साल पहले डाली थी, पहले डल चुकी है, पहले डाल चुकी थी जो चार साल पहले, वो उन्होंने डोनेट की थी। कैसे नहीं, कोई रिश्वत दी, कोई वोटो नहीं खरीदना, ऐसे कोई बात नहीं थी, सिर्फ लोगों की समस्या को सॉर्ट आउट किया था। लेकिन इन्होंने वो निकाल दी, तोड़ दी, JCB ने सारी उखाड़ दी, आप देख रहे हो, अब ये खाली खोद कर छोड़ दी है। इसमें कोई बुजुर्ग भी गिर सकता, बच्चे है या आवारा पशु है, एक गाय पीछे से वहाँ हौदी खोद दी थी, उसमें गिर कर मर गई थी। तो ये लोगों की हमारी समस्या आप देख ही रहे हो कि यहाँ क्या हाल है। फिर उन्होंने कहा कि आपको गलियाँ हैं उनका लेवल करके देंगे, तो आप देख लो कोई साधन, दिन डे टाइम नहीं आदमी गुजर सकता, तो रात टाइम को तो क्या होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है मैम। क्या नाम? कालू राम। क्या मांग है शिवनगर? हमारे लिए तो पानी की मांग है, बस पानी मिल जाए हमारे को सबको, नहीं तो मटके उठाने पड़ते सिर पे, लेडीज सारी तंग है, बस यही दिक्कत है। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। महिलाएं कैसे पानी लेके आती हैं और कहाँ से लेके आती है पीने के लिए? अभी तो जैसे ये मटकों पे ही लेके आ रही हैं, इधर जिधर भी कोई नल वगैरह है दूर से कहीं से, क्योंकि यहाँ पे नाके से लेके आ रही हैं। और आप देख ही लो घरों के इतने काम होते हैं, तो हम पानी के लिए स्पेशल टाइम कहाँ से निकालें? कितनी मुश्किल से ये यहाँ पे पाइपलाइन डली थी, तकरीबन हमें यहाँ आए हुए 10-12 साल हो गए। इन 10-12 सालों में ये अभी 3 ईयर ही हुए हैं जब ये पाइप डाली गई है, इतनी मुश्किल से ये पाइप डली थी, और इन लोगों ने एक सुविधा देते देते हमारी जो मेन ज़रूरत है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो भी इन्होंने ये पाइप ये ईजिली नहीं डाल रहे हैं, बार बार लेडीज़ गई हैं इनके पास, जेंट्स गए हैं इनके पास, तब कहीं जाके इन्होंने ये पाइप डालनी शुरू की है। पहले 3 साल पहले जो पाइपलाइन डाली थी उसको क्यों उखाड़ा गया? वो बीच में आ रही थी शायद सीवर के बीच में, हाँ जी। तो उस इन्होंने फिर जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी की पाइप डाल के देंगे।
लेकिन अच्छी क्वालिटी का नमूना तो हम सारे देख रहे हैं कि एक पाँव धर रहे हैं वो पाइप टूट रही है, उसके बाद क्या ये मिट्टी का इतना वजन सह पाएगी, और कहीं पे यहाँ पे कोई बड़ा व्हीकल खड़ा हो गया तो ये पाइप तो टूटेगी टूटेगी, तो क्या हम इसको बाद में जोड़ने के लिए यही काम बचा है हमारे पास? तो आप मत डालो सीवर, एक सुविधा दे रहे हो लेकिन उसके बदले हमारी जो मेन ज़रूरत है, लाइफ है, कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर? नहीं ना, सीवर के बिना हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन सीवर के बदले इन्होंने क्या किया है, हमारी मेन ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, जो कि हम कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और करप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, सारे लोग हैं, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। किस ठेकेदार द्वारा ये जो कार्य है वो किया जा रहा है, ठेकेदार कौन? यहाँ पे मे बी शायद 3-4 लोग हैं, लेकिन जिनके नेम मोस्टली सुनने में आते हैं वो है मिस्टर बिंदु और मिस्टर नूरुल्ला। ये जब सीवर डाल रहे थे तो उस टाइम भी उस सीवर का ढक्कन नहीं लगाया गया था, उस टाइम भी इसके अंदर गाय गिरी है, उसकी बिल्कुल गर्दन टूट गई थी। अब ये इतनी गहरी गहरी खाइयाँ इन्होंने खोद रखी हैं, अगर कोई बच्चा इसके अंदर, छोटा बच्चा इसके अंदर गिर जाता है तो क्या इसके जिम्मेदार ये कॉन्ट्रैक्टर होंगे? हम इस चीज़ का आंसर जानना चाहते हैं, क्या वो किसी के जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं? अब ये बच्चा है, इसकी हाइट से दुगनी ये खाली है जो इन्होंने ये नाली बना रखी है। अगर ये बच्चे गिरते हैं, निकला तो इनसे जाएगा नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार हैं या नहीं? इनकी होगी ना, ऑब्वियसली बनेंगी, ऑब्वियसली बनेंगी। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अब और मां तो पानी को गड़ा तुरुआ दे, बस और कुछ ही कौन चाहा बस हम तो। और कितने सालों से आप रहते हैं? मैं तो रहती ना 32 साल हो गया, उधर रहती ना 32 साल से। अब सिर पे घड़ा उठा के पानी ले रही, नाका कना से भर के ले रही, 3-4 साल ना सा सो वो भी पट दी मारी। तो क्या सालों से आप घड़े उठा चक्कन लग रहे, बुढ़ी होगी मैं तो घड़ा चक चक। सही बात है भाई, मैं तो पानी मिले तो मर तो भाभी पैर पट के दर्द ही ना। हमको तो जी यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की भी, हम पानी बरतने दूसरा भी पानी हम काट काट के बहुत थक गए हैं, सीवर खाली पट पट के छोड़ रखी है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे इन्होंने पहले भी ये जब सीवर डाल रहे थे तो उस टाइम भी उस सीवर का ढक्कन नहीं लगाया गया था, उस टाइम भी इसके अंदर गाय गिरी है, उसकी बिल्कुल गर्दन टूट गई थी। अब ये इतनी गहरी गहरी खाइयाँ इन्होंने खोद रखी हैं, अगर कोई बच्चा इसके अंदर, छोटा बच्चा इसके अंदर गिर जाता है तो क्या इसके जिम्मेदार ये कॉन्ट्रैक्टर होंगे? हम इस चीज़ का आंसर जानना चाहते हैं। अब ये बच्चा है, इसकी हाइट से दुगनी ये खाली है जो इन्होंने ये नाली बना रखी है। अगर ये बच्चे गिरते हैं, निकला तो इनसे जाएगा नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार हैं या नहीं? इनकी होगी ना, ऑब्वियसली बनेंगी। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अब जान माल का नुकसान होगा तो ये ठेकेदार जिम्मेदार होंगे। सुनीता जी, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमको तो 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हैं। हाँ, 30 साल में इतने विधायक आपने यहाँ से बनाए हैं और हम बात करें MC बनाए हैं, तो किन मुद्दों पे आपने MC बनाए हैं 30 सालों में? कभी तो पानी पुणी खतरी बनाया, अभी हमारी मदद करेंगे, बस मदद के लिए ही करते हैं हम तो। अब ये क्या नाम, ये खाली पटके छोड़ रखी है तो हमें तो ये खाली पैपे डाल के दो, जैसी हमारी निकाली है ना पैपे तोड़ी हैं वैसी पैपे डाल के दो। MC से कभी समस्या का आपने समाधान मांगा? MC से समस्या बताई? MC तो बेचारा कुछ नहीं कहता है, वो तो बस जो आते हैं और चले जाते हैं सुनकर, MC कुछ नहीं कहते। क्या नाम है MC का? MC का नाम तो आइए थे हमारे साथ तो डवाली के वार्ड नंबर 19 से शिवनगर के निवासी ये लोग यहाँ पे। आपको बता दें कि जो पीने का पानी होता है वो हमारी मूलभूत सुविधा मानी जाती है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 30 सालों से ये जो वार्ड है वो बसाया गया है। तो मैं आपको दिखा दूं कि आप दृश्य देख सकते हैं जो इस वार्ड के हालत क्या है। गाँव से भी जो हम बात करें कि आज गाँव भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और वहाँ पक्की सड़कें हैं, सीवर है, परंतु यहाँ ना तो पीने का पानी है कि पक्की सड़कें ही नहीं हैं। आपको बता दें कि जो हम जब वोट देते हैं तो हमारे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर वोट देते हैं। हम बात करें डवाली के MLA अमित सिहाग जी ने बहुत बार बहुत बार प्रेस नोट रिलीज करे हैं, हमने इतने काम करवा दिए हमने, ये मुझे ये समझ नहीं आता उन कामों में से ये वार्ड के काम कहाँ चले जाते हैं। वहीं वार्ड के MC की बात करें तो अगर MC की कोई सुनवाई ही नहीं होती तो MC को पद ही क्यों दिया जाता है? पहले भी हमने बहुत से वार्ड जो हैं वो कवर किए हैं, उसमें यही समस्या होती है कि MC की सुनी नहीं जाती। वही समस्या इस वार्ड की भी है, MC की कोई सुनवाई नहीं होती, MC आता है चला जाता है परंतु उसमें सुनवाई नहीं होती है। MC जो बनाया जाता है वो वार्ड की समस्याओं के लिए बनाया जाता है, वार्ड के लोगों के लिए बनाया जाता है, ताकि अगर लोगों को कोई समस्या आती है तो MC को बताकर उनका समाधान किया जाए। आगे की अपडेट के लिए जुड़ रहे डवाली केसरी के साथ, मैं अनुपमा कैमरामैन बलकंत सिंह के साथ।